भारतीय सेना का नाम सुनकर दुश्मन का दिल दहल जाता है और इसी भारतीय सेना में कुछ बहादुर और जाबाज सिपाही ऐसे हैं जिनके नाम सुनते ही आतंकवादियों की रूह तक कांप जाती है। ऐसे ही एक जाबाज जवान है नायक जितेंद्र सिंह। आतंकवादियों में जितेंद्र सिंह के नाम का खौफ है। नायक जितेंद्र सिंह को अगर आतंकवादियों का काल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि नायक जितेंद्र सिंह को इस साल कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों पर नकेल कसने में नायक जितेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही है। पिछले साल भर में इन्होंने कई आतंकवादियों को ठिकाने लगाया है। नायक जितेंद्र सिंह ने दिसंबर 2021 के बाद के 3 अलग अलग ऑपरेशंस की कमान संभाली। राजपूत रेजिमेंट के नायक जितेंद्र सिंह ने दिसंबर 2021 से 3 ऑपरेशंस में टीम का नेतृत्व करते हुए वीरता का परिचय दिया। उस ऑपरेशन में 7 आतंकवादी मारे गए। 27 अप्रैल 2022 को 2 आतंकी होने की खबर मिलने पर पुलवामा जिले में एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। नायक जितेंद्र आतंकवादियों से भिड़े। आतंकवादियों ने उन पर ग्रेनेड फेंके और घेरा तोड़ने की कोशिश की। नायक जितेंद्र ने गोली लगने के बाद भी एक आतंकवादी का सफाया किया। ऑपरेशन के दौरान दूसरे आतंकवादी ने उन पर हथगोले फेंके और गोलीबारी की। इस दौरान नायक जितेंद्र सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे। इसके बावजूद उन्होंने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। साथ ही अपने जवानों को उन्होंने एनकाउंटर साइट से बेहोशी की हालत में रेस्क्यू किया था। शिवालिक जनरल नायक जितेंद्र सिंह के जज्बे को सलाम करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।